कैसे आप सभी लोग, हमारे YouTube चैनल अपना साइंस में आप सभी लोग का स्वागत है। कक्षा 10th और 12th के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, अब आपकी राय जानना चाहती है कि आप क्या चाहते हैं, एग्जाम हो कि एग्जाम ना हो, कि एग्जाम असाइनमेंट के द्वारा आप लोगों को मार्क्स मिले, कि एग्जाम जो है वो घर पर हो। ये तो यानी कि आपकी राय को हमारी गवर्नमेंट जो है वो महत्व दे रही है। इसके साथ साथ आपके राय के साथ साथ गवर्नमेंट आपके अभिभावक यानी कि आपके पेरेंट्स के भी राय को जानना चाहती है। तो अब आप अपनी राय को गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचा सकते हैं? तो बहुत ही आसान तरीका, गवर्नमेंट बोली कि आप ईमेल के द्वारा अपनी राय को गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आ रहा है कि हमको तो ईमेल लिखना आता ही नहीं है, तो हम लोग अपनी राय को गवर्नमेंट के पास बहुत कैसे भेजे। तो आज का वीडियो बस इसी के ऊपर है। हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ईमेल कैसे भेजेंगे। ईमेल भेजना बहुत आसान है। यदि आप लोगों को व्हाट्सएप चलाना आता है तो आप लोग ईमेल भी आसानी से गवर्नमेंट को भेज दीजिएगा। इतना सिखाने से पहले एक महत्वपूर्ण आपको बात ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि 10th और 12th के उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनको अभी तक मालूम नहीं कि हम लोगों को ईमेल भेजना या फिर ईमेल कैसे भेजना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना एंड्रॉइड फोन को खोल लीजिए। अब जब एंड्रॉइड फोन को आप लोग खोलिएगा तो उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हेन तेन वगैरह वगैरह एप्लीकेशन आएगा, जिसमें से एक एप्लीकेशन रहेगा चिट्ठी के समान जिसमें लिखा रहेगा जीमेल। आपको उसी को क्लिक करना है। जीमेल में क्लिक किए, जीमेल के बाद जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो एक पेज खुलेगा। पेज के एकदम नीचे में ऑप्शन लाल रंग से लिखा रहेगा कंपोज, और जिन बच्चों के फोन में कंपोज नहीं लिखा रहेगा तो एक प्लस का साइन रहेगा, उसको उसके ऊपर क्लिक कीजिए। कर लिए। इसके बाद जब उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो एक पेज खुलेगा जिसमें से लिखा रहेगा, सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा फ्रॉम, फिर टू, फिर सब्जेक्ट, फिर कंपोज जीमेल। तो फ्रॉम में लिखा रहेगा आपका ये आपका जीमेल अकाउंट, और टू में लिखना है आप लोगों को जिनके पास ईमेल भेजना है। तो गवर्नमेंट हमारी तीन ईमेल आईडी दी है, उन तीनों में से किसी में भी आप गवर्नमेंट को ईमेल भेज सकते हैं। वो तीनों ईमेल को हम ये अपनी स्क्रीन पर दिखा देंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सबसे मेन यही है कि आपको सब्जेक्ट में क्या करना है। तो सब्जेक्ट में यदि आप लोग एग्जाम कैंसिल चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है कि कैंसिल एग्जाम। यदि आप लोग एग्जाम कैंसिल नहीं चाहते तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है कि डोंट कैंसिल एग्जाम। यदि आप लोग एग्जाम को घर पर करवाना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए एग्जाम फ्रॉम होम। यदि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम करवाना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए ऑनलाइन एग्जाम। तो ये सब प्रोसेस है। उसके बाद आता है कंपोज ईमेल। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि आप लोग एग्जाम अगर करवाना चाहते हैं तो एग्जाम क्यों होना चाहिए, एग्जाम अगर ऑनलाइन हो तो एग्जाम क्यों ऑनलाइन हो। तो कैसे इस कंपोज में कैसे लिखना है, तो कंपोज में सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। गवर्नमेंट आपकी राय जानना चाहती है कि आप लोग कोई चीज चाह रहे हो तो क्यों चाह रहे हो। ठीक, तो कंपोज में सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो कि क्लास 12th में पढ़ते हो। ठीक है, तो अब दिक्कत यह है बहुत सारे बच्चों को कि सर अपने को तो इंग्लिश आता ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें भी इंग्लिश नहीं आता है। अगर आप लोग हमारी तरह हो तो आप लोग ऐसे तो लिख पाएंगे ना कि एस आई आर सर, एम ए आई मैं, आई एस इस, के ए आर ए एन कारण, डब्ल्यू एस वस। ऐसे भी अगर आप लोग लिख कर गवर्नमेंट को ईमेल सेंड कीजिएगा तो गवर्नमेंट आपकी बातों को समझ जाएंगे। जब आप लोग ईमेल लिख लीजिएगा तो आप लोगों के जीमेल एप्लीकेशन में एक तीर जैसा ऑप्शन दिखेगा, उस तीर जैसे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपका ईमेल जो है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो दिक्कत थोड़ा सा ये आ रहा है कि एक बार में ही लगभग हजारों हजारों की संख्या में बच्चे जो है मेल कर रहे हैं, तो जीमेल का जो सर्वर है वो थोड़ा डाउन हो जा रहा है, तो कभी कभी आपका जो ईमेल है वो नहीं भी जाएगा। तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं, आप लोग फिर से थोड़ा सा रुक जाइए, 30 मिनट, 1 घंटे के बाद फिर से दोबारा अगर भेजेगा तो आपका ईमेल जो है वो चला ही जाएगा। तो आप लोगों के पास केवल 2 बजे तक का ही समय है, गवर्नमेंट हमारी जो है वो 2 बजे तक का ही टाइम दी है, तो 2 बजे के पहले आप लोगों को ईमेल जो है वो भेज देना है गवर्नमेंट को। अब आपका भविष्य आपके हाथों में है कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो फटाफट ज्यादा से ज्यादा ईमेल कीजिए और अपनी राय को पूरी जोर शोर से हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। तो मुझे आशा है कि जल्द से जल्द यानी कि मंगलवार तक ही आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय बांग्ला।